हेलो वंस अगेन, वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा था टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है क्या, यानी कि क्या रिएजेंट्स हमें यहाँ पर यूज़ करने होंगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली टू टाइप्स के सॉल्यूशंस को मिला के बनाया जाता है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी। इसे भी आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हो जैसे टॉलरेंस रिएजेंट को। तो सॉल्यूशन ए की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन ए में हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हैं आप इसे, और CuSO4.5H2O। यहाँ पर जो हमारा कॉपर होता है वो टू पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है, जो सॉल्यूशन हमारा कैसा कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। सॉल्यूशन बी की बात करते हैं, तो हमारे पास यहाँ होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, COOH OH, और ये OH, और ये H, ये H, और यहाँ पे अगेन COOH। अब ये तरीका अगर तुम लोगों के लिए नया है तो मैं तुम्हें बता दूँ कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये कार्बन है, ठीक है, इसका मतलब बस कार्बन है। तो कार्बन के साथ OH है, ये कार्बन के साथ OH है। अब हमने सोडियम पोटेशियम कहा है, तो इसे बेसिक मीडियम में लिया जाता है, यानी कि इसमें बेस ऐड किया जाता है KOH और NaOH। तो इस वजह से ये यहाँ पर आपको सोडियम दिखाई देगा और यहाँ पर आपको एक पोटेशियम दिखाई देगा, इसीलिए बोला गया इसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो पहले वो टार्ट्रिक एसिड था, अब बन गया वो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो ये बेसिक मीडियम में ध्यान रखेंगे। तो इसके साथ यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ कि बेस हमारे पास अभी और है। इन दोनों ही सॉल्यूशंस को मिलाने के बाद जो चीज़ है हमें जो रिप्रेजेंट करना है वो दिखाया जाएगा CU2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है किसे दिखाने का, फेलिंग सॉल्यूशन को। तो जब भी जब भी आप रिएक्शंस करेंगे तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सारी चीज़ें तो नहीं लिखते ना वहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CU2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ रिएजेंट। अब दूसरी बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, कि हमें क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है जब ये हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो जब ये टेस्ट आप परफॉर्म करते हो तो ऑब्जर्वेशन ये आती है कि ये जो CU2 पॉजिटिव है वो By gaining one electron, it will convert into Cu1 positive। तो मे बी आप लोगों के जहन में सवाल आया हो कि सर इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये न्यूट्रल क्यों नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, आयंस तो हमें डेफिनेटली मिलेंगे ही मिलेंगे। अब ये टू पॉजिटिव से वन पॉजिटिव में इसलिए कन्वर्ट होना चाह रहा है, जो वन पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है इसके Cu2 पॉजिटिव से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, ये तो मैंने टाइप बता दिया तुम्हें। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो है, जिससे हम पहचानेंगे उसे, वो मिलता है आपको CU2O। तो ये आपको रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देगा। तो रेडिश ब्राउन कलर का एक PPT बनता है जिसका फॉर्मूला है CU2O, और इसे बोला जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, क्यूप्रस ऑक्साइड। तो आप लोग देखेंगे क्यूप्रस प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यूप्रिक बोलते हैं जब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो अगर कोई केमिकल इसके साथ रिएक्शन करके ये हमें ऑब्जर्व होता है तो हम कहेंगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉसिबल हुआ है। अब बात करते हैं रिएक्टेंट्स की, कि कौन है जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देने वाले हैं। तो रिएक्टेंट्स की बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहली बात, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट में है, एल्डिहाइड से इस टेस्ट को देते हैं। अब एल्डिहाइड को थोड़ा स्पेसिफिक कर देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। तो अगर मैं बात करूं एलिफेटिक एल्डिहाइड्स की, तो आप कहोगे यस, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देते हैं, यानी कि वो इस टेस्ट को शो करेंगे, यानी कि वो CU2O को बना सकते हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड्स होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लाइक बेंजल्डिहाइड, वो इस टेस्ट को नहीं देते हैं, माइंड इट प्लीज़।
एरोमेटिक एल्डिहाइड्स इस टेस्ट को नहीं देते हैं। दूसरी बात, जैसे टॉलरेंस रिएजेंट फॉर्मिक एसिड को रिड्यूस कर सकता है, तो HCOOH, तो यहाँ पर ये भी टेस्ट दे सकता है। उसके बाद थर्ड, अभी रिएक्शंस की बात अभी करेंगे, ठीक है। तो पहले हम डेटा देख लेते हैं कि क्या क्या कहता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये टेस्ट देते हैं। अब कौन ये टेस्ट नहीं देता है, तो हमें पता ही है कि ये मेन फेमस किसके लिए है, ये मेन फेमस है कीटोन्स के लिए, है ना। तो जो टॉलरेंस रिएजेंट है और जो आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, वो दोनों ही फेमस हैं कीटोन्स के लिए कि ये कीटोन्स टेस्ट नहीं देते हैं। तो कौन सा कीटोन दे सकता है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टर्मिनल एल्काइंस भी टेस्ट दे रहे थे कौन सा, टॉलरेंस रिएजेंट, लेकिन यहाँ पर टर्मिनल एल्काइंस ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो क्लियर हुई इतनी बातें, तो ये है यहाँ पर स्टेप्स, ठीक है। तो सबसे पहला कि रिएजेंट्स क्या हैं, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी फ्रेशली प्रिपेयर्ड किया जाएगा। सॉल्यूशन ए क्या है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 या एक्वस कॉपर सल्फेट, जो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। कॉपर के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। यहाँ पर है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसी को रोशेल सॉल्ट भी कहा जाता है, ठीक है। देख लेंगे इसको, रोशेल सॉल्ट नेम लिख लेना, रोशेल सॉल्ट भी कहा जाता है इसे। अब इसलिए इसको ऐड किया जा रहा है ताकि यहाँ पर ये बेस के साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड ना बना दे, ठीक है। तो अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि सर हमें अगर कहीं पर भी रिएक्शन दिखनी होगी तो क्या हम ये बड़ी चीज़ें लिखेंगे, आंसर इज नो। आपको बस क्या लिखना है, रिएजेंट की जगह ये CO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जैसे ही आपको दिखाई दे तो आप पहचान जाना कि कौन सा सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन क्या है। ऑब्जर्वेशन क्या दी है हमें, ऑब्जर्वेशन ये हमें मिलती है कि कॉपर जो +2 से है वो +1 में चला जाता है और हमें एक रेडिश ब्राउन PPT दिखाई देता है जो है हमारा CU2O का। तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेस्ट पास हो गया है। रिएक्टेंट्स कौन ये टेस्ट देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड यानी कि सारे एलिफेटिक फॉर्मल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड प्रोपेनल्डिहाइड सब टेस्ट देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं दे सकते हैं, जबकि टॉलरेंस दे सकता था। तो समझ रहे हो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, अगर बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में डिफरेंस करना हो CH3CHO में और बेंजल्डिहाइड में, तो यहाँ पर आप लोग ये टेस्ट लगा सकते हो। आप कहोगे फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट अगर हम अप्लाई करते हैं तो ये नहीं देता है, टॉलरेंस रिएजेंट दोनों टेस्ट दे देता है, ठीक है। तो यहाँ से डिफरेंशिएट किया सकता है। फिर फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड में डिफरेंस कर सकते हो। फॉर्मिक एसिड के लिए आप बोलोगे सर टॉलरेंस रिएजेंट भी देता है, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देता है, लेकिन CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड नहीं देता होगा। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये भी टेस्ट देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते हैं और टर्मिनल एल्काइंस भी इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो चलिए अब देख लेते हैं हम रिएक्शन जिसका तुम्हें काफ़ी देर से वेट हो रहा था। तो RCHO अब हम लिख लेते हैं फेलिंग सॉल्यूशन CO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इससे पहले वाला जो डेटा है ना उसी तरह से आप लोग अपने नोट्स में भी लिखेंगे, तो उससे ये डाउट नहीं होगा ना जब क्वेश्चंस करोगे। तो जब आप कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो आपको लगेगा कि यार इसमें भी टॉलरेंस लग गया, इसमें फेलिंग लग गया, जबकि हमने पहले पढ़ा था सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। तो इसलिए सारा डेटा पहले ही आप लोग एक ही बार में मेमोराइज कर ले। तो क्या होगा, यहाँ पर भी वही होने वाला है क्योंकि टॉलरेंस एजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो आपका टॉलर, एक बात और, टॉलरेंस रिएजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू फेलिंग सॉल्यूशन। टॉलरेंस रिएजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू फेलिंग सॉल्यूशन। तो CHO का ऑक्सीडेशन होगा, CO नेगेटिव बन जाएगा और एक बनेगा CO2O और एक बनेगा आपका वाटर। तो इसी का आपको रेडिश ब्राउन PPT नज़र आएगा, ठीक है। तो ये हो सकते हैं एलिफेटिक, फिर हम लोगों ने एरोमेटिक के लिए मना किया हुआ है कि ये रिएक्शन नहीं देगा। तो CO2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन की बात की हमने, तो ये है हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये कीटोन हो गया, ये अल्फा पोजीशन पे OH है, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टेस्ट दे सकते हैं। इसके रिएक्शन ध्यान रखेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, सी डबल बॉन्ड O तो ऐसे ही रहेगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, सी डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन यहाँ से चले जाएंगे और ये बन गया CH3। तो ये भी CO2O क्यूप्रस ऑक्साइड बना सकता है,
और ये भी टेस्ट देगा। उसके बाद टर्मिनल एल्काइन, अब चलो वर्ड यूज हुआ है तो एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो, अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन दोनों ही सीखना ज़रूरी है, एक से काम नहीं चलता है बच्चों, ठीक है। तो ये होते हैं, तो ये कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं करते हैं। तो कंपैरिजन मैंने तुम्हें बता दिया है कि टॉलरेंस रिएजेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू फेलिंग सॉल्यूशन। अब लैंग्वेज क्या है, स्टेटमेंट क्या होते हैं बोलने के, या तो आप ये बोल दो कि फेलिंग सॉल्यूशन ने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर दिया, या आप बोल सकते हो कि एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं, एल्डिहाइड टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, एक ही बात है, ऑक्सीडेशन कहें या रिडक्शन कहें। अब हम देखते हैं इसकी छोटी सी मैकेनिज्म। चलिए तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एल्डिहाइड, ये है हमारे पास RCH2CH2, आप CH3CHO लेकर भी कर सकते हैं। अब इसकी रिएक्शन हम सबसे पहले कराएंगे अपने बेस से, OH नेगेटिव है हमारे पास, OH नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, तो ये बन जाएगा RCH नेगेटिव C डबल बॉन्ड O और ये H। अब इसकी रिएक्शन आप लोग करा देंगे किससे, Cu2 पॉजिटिव से, तो ये आप इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे, तो R CH सिंगल बॉन्ड Cu C डबल बॉन्ड O और ये H, कॉपर पे रहेगा एक पॉजिटिव चार्ज। इसको ध्यान से समझें, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। तो क्या हुआ है, देखो एक जो सिंगल बॉन्ड बनता है वो कितने इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए इसने, ये दो इलेक्ट्रॉन तो होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यूज़ हो गए, इसलिए कॉपर पे, कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन मिले, फिर एक ही इलेक्ट्रॉन मिला है, तो इसलिए एक पॉजिटिव बना रहेगा अभी भी, क्लियर है, देख लो इस ढंग से। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन कराएंगे हम OH नेगेटिव से, OH नेगेटिव से, ये OH नेगेटिव कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा और ये जाएगा बाहर, तो ये बनता है RCH Cu पर है पॉजिटिव चार्ज। अगेन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये मैकेनिज्म याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, बस मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि समझने के लिए कि ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, तो एक बार मैकेनिज्म देख लेने में कोई बुराई नहीं है। याद नहीं करना होता है स्टेप, देखना होता है कि हाँ इस तरह से ये चीज़ें आ रही हैं। तो अगर आपको थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी होती है रिएक्शन में कि ये कैसे हो रही हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखा करें। याद करने के लिए मैं मना कर देता हूँ पहले, कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ से क्या करना है हमें, कॉपर और हाइड्रोजन का बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा, कॉपर और कार्बन का बॉन्ड, अब ये रेडिकल्स बनाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन Cu के पास आ गया, तो ये क्या बन गया, RCH एक रेडिकल बन गया है, सी ओ नेगेटिव, ठीक है, कुछ मिस किया हमने, ओके ओके, हेयर इज OH, OH ने अटैक किया था, ठीक है। तो ये है हमारे पास एक OH और ये है H, तो यहाँ से कौन बाहर हो गया बच्चों, देखो Cu चला गया है, Cu क्या बन के गया है, पॉजिटिव। अब एक और कन्फ्यूजन यहाँ पर कि सर Cu तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर गया है, तो क्यों ना उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं दिखाया आपने, रेडिकल बनना चाहिए था, क्यों नहीं बना रेडिकल। अब देखो पहले Cu2 पॉजिटिव था, तो उसका क्या मतलब था, सर दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अब बताओ एक इलेक्ट्रॉन ही तो मिला है उसे, तो इसलिए एक पॉजिटिव है, कोई रेडिकल यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं लाया है, अपने इलेक्ट्रॉन तो थे ही नहीं, उसने तो इससे ही लिए इलेक्ट्रॉन, तो पहले टू पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब Cu1 पॉजिटिव है, तो कॉपर प्लस यहाँ से रिलीज हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन फिर से आप किससे कराओगे, एक बेस से कराओगे, ठीक है। अब वेट, अब हमारे पास एक रेडिकल जनरेट हो गया बेस से नहीं है, अब इसकी रिएक्शन पहले कराई जाएगी किससे, Cu2 पॉजिटिव से। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कॉपर इसे देगा, तो क्या बनने वाला है, देखो RCHCOH H, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव, अब कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया बताओ बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया है, तो ये क्या बन के बाहर हो गया है फिर, अब Cu1 प्लस, देखो दो Cu मिल गए आपको, Cu2 आया था ना, मिल गए दो Cu, ठीक है,
सी एच पे पॉजिटिव आ गया। अभी सी एच को पॉजिटिव को कंप्लीट करने के लिए ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा सर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे रहेगा आपका ओ एक ओ नेगेटिव। अब इस ओ नेगेटिव, ये ओ नेगेटिव इस एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा, ओ एच। एक ओ एच आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, तो सारे बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब उसके बाद फर्दर इसकी रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, तो होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा और ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा। तो देखिए कार्बन पे कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव। ये नेगेटिव किसको एक्सेप्ट कर लेगा, इस एच पॉजिटिव को, तो क्या बनेगा, सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच। अब आप लोगों को पता है कि मीडियम बेसिक है, तो ये है हमारा ओ एच नेगेटिव, तो ओ एच नेगेटिव यहाँ से एच को निकाल देगा और ये क्या बन जाएगा, आर सी एच टू सी ओ ओ नेगेटिव। अब यहाँ पे बच्चे एक और कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं अपने लिए, कि अगर उन्हें रिएक्शन के दौरान सी ओ ओ एच लाना होता है, लेट सपोज आपके पास ये था सी एच थ्री सी एच ओ, और आपने कहा कि सर हम लोगों ने अप्लाई किया फेलिंग सोल्यूशन, तो क्या हम ये लिख सकते हैं या नहीं, एक सवाल ये है। अब बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में ये एच यहाँ पर नहीं रहेगा, तो अगर तुम्हें यहाँ पर एच लाना है तो तुम्हें सेकेंड स्टेप में ऐड करना पड़ेगा एसिड। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बेस को न्यूट्रलाइज कर दोगे आप, तो अब आपको एच मिल सकता है, तो आपने एक्स्ट्रा एच पॉजिटिव आयन्स उसमें ऐड कर दिए, जिससे बेस न्यूट्रलाइज हो गया और बचा हुआ एच यहाँ पर आ गया। तो अगर कन्वर्जन में पूरा लिखना है तो सेकेंड स्टेप में आप उसमें एसिड डालोगे, तो ही वो रिएक्शन कम्प्लीट होगी। तो ये हुई आपकी मैकेनिज्म कम्प्लीट। तो कहीं पर छोटे छोटे सीखने वाले पॉइंट्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं मैकेनिज्म लेके आया हूँ, नहीं तो ऐसी नीड नहीं है मैकेनिज्म की, और याद करना नहीं है, मैंने पहले बोल दिया है, चीज़ों को समझना है। आई होप वीडियो पसंद आया हो, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।